व्हाट्स अप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास है चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 7। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 7 है, अ रेक्टेंगुलर वेसल 25 सेंटीमीटर इनटू 8 सेंटीमीटर इनटू 11 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ मिल्क। इफ द मिल्क इज पोर्ड इनटू एन एम्प्टी सिलेंडर वेसल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द मिल्क इन द वेसल। हमें कह रहा है एक रेक्टेंगुलर वेसल है, मतलब एक क्यूबॉइड है टाइप वेसल है जिसमें हम जिसका डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दे रखा है। ये पूरा दूध से भरा हुआ है। अब इसी दूध को ना हमने एक वो जैसे सिलेंड्रिकल जार में कुछ भर लिया जिसका डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर और हाइट हमें पूछ रहा है कि अगर ये पूरा दूध इसमें चले जाता है तो इसका हाइट कितना होगा। तो देखो, पहले तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, कितना दूध था इसमें। तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी लिखना जरूरी है, इंटू हाइट कितना है 11 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, देखो 25 इंटू 8 क्या होता है 200 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर 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 का स्क्वायर इंटू 11 सेंटीमीटर। तो अब ये कितना हो गया 11 इंटू 200, तो ये हो गया 2200 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क आ गया 2200 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, दूध यही वाला इसमें पूरा पलट दिया, यानी कि दूध तो इतना ही होगा, बस इसकी हाइट हमें पता, मतलब सिर्फ शेप चेंज हो जाएगा पर दूध तो सेम ही रहेगा ना। तो अब इससे क्या पता चला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिलेंड्रिकल वेसल, मतलब जो ये सिलेंड्रिकल वेसल है ना, इसका वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ दूध की के बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ मिल्क, है ना। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मिल्क कितना रखा है 2200 सेंटीमीटर क्यूब। एक मिनट आपको देखेगा इससे आगे। तो देखो, पाई की जगह पर 22/7, रेडियस हमें दे रखा था 20 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखा था 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर यानी कि 10 रेडियस हो गया, 10 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट हमें पता नहीं, हाइट ही तो फाइंड करनी है, इक्वल्स टू 2200 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, अब देखो ये हाइट इधर ही रह गया, ये 22 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में, एक मिनट, इधर जाके डिवाइड में, तो डिवाइड में आ गया। अभी 7 इधर डिवाइड में था, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, ये 10 का स्क्वायर 100 हुआ, 100 मल्टीप्लाई में ना, तो इधर जाके डिवाइड में 100। तो देखो ये 20 और ये 20 कट गए, अभी 22 से कट गया, तो 1 × 7 इक्वल्स टू 7, तो हाइट आ गया 7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 है, आशीष इज डिगिंग अ पिट ऑफ रेडियस 2.8 मीटर एंड 3 मीटर डेप्थ। ही इज यूजिंग द मड डग आउट फ्रॉम द पिट टू फिल अ वैकेंट एरिया ऑफ लैंड ऑफ डायमेंशन 8 मीटर इंटू 2 मीटर, फाइंड द राइज हाइट ऑफ द वैकेंट एरिया। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक आशीष नाम का बच्चा है जो कि एक गड्ढा कर रहा है जमीन में, ये देखो एज ए सिलेंडर टाइप गड्ढा कर रहा है जिसका रेडियस 2.8 मीटर है और जो जितना गड्ढा कर लिया है वो 3 मीटर गड्ढा कर लिया उसने, उससे जो मिट्टी निकली है ना उससे वो एक चबूतरा टाइप बना रहा है, जैसे बैठने के लिए होता है ना सबके घर में क्या आगे चबूतरा, वैसा बना रहा है। तो उसका हमें ब्रेथ दे रखा है 8 मीटर और सॉरी लेंथ दे रखा है 8 मीटर, ब्रेथ दे रखा है 2 मीटर, हमें पूछ रहा है उसका हाइट। तो पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कितनी मिट्टी निकल गई, तो वॉल्यूम ऑफ मड फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ मड, जो मड निकल रही है वो किसमें से निकल रही है, सिलेंडर में से। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दे रखा है 2.8 मीटर, तो 2.8 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना दे रखा है 3, तो ये 22/7 एज इट इज। अब 2.8 का स्क्वायर यानी कि 2.8 इंटू 2.8 इंटू 3, ये पॉइंट हट गया तो अपॉन 10, ये पॉइंट हट गया अपॉन 10, 7 4 जा 28, है ना। अब 22 इंटू 3 कितना होता है 66 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 10 इज 100। अब 66 इंटू 28 होता है 1848 इंटू 4 अपॉन 100। अब 1848 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 7392 अपॉन 100। अभी देखो इसे 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 73.92 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि हमारा वॉल्यूम ऑफ मड आ गया, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मड हो गया 73.92 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, जितना जो चबूतरा हम तभी बना पाएंगे ना जब मिट्टी निकलेगी, तो जितना मिट्टी निकलेगा उतना ही हम उस पर फैला पाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मड फील्ड, मतलब जितना हमने उसमें भरा, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मड डिग, मतलब जितना हम खोदेंगे उतना ही हम उस पर भर पाएंगे ना। तो हमने वॉल्यूम ऑफ मड कितना खोदा था, 73.92 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, हाँ तो मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ मड फील्ड, हम कौन से शेप में मड को फील्ड कर रहे हैं, क्यूबॉइड में, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ कितना दे रखा है 8,
ब्रेथ दे रखा है 2 और हाइट हमें फाइंड करनी है इक्वल्स टू 73.92। अब ये हाइट एज इधर हो गया 8 × 16, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में 73.92 डिवाइडेड बाय 16। अभी 73.92 16 से डिवाइड होता है तो आता है 4.62, तो हमारा हाइट आ गया 4.62 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।